ऊना में बदहाली के आंसू रो रहा है सरकारी स्कूल। एक साल से स्कूल में लटका है ताला, शिक्षक और छात्र दोनों ही गायब। रूस से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की धमकी, सुरक्षा कारणों से उज्बेकिस्तान डाइवर्ट 238 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर सवार थे। आगरा आ रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे के कोच से उठा धुआं, ट्रेन को कोसलकला स्टेशन पर रोका गया, आग लगने की आशंका पर नीचे उतरे यात्री। बाइक की चाबी न देने पर भतीजे को मार डाला, अमेठी में नशे में धुत चाचा ने लोहे की रॉड से की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में 12 पुलिस वालों पर होगी हत्या की एफआईआर, गो तस्कर बताकर पुलिस ने पैर में मारी थी गोली, हॉस्पिटल में मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लखनऊ के कुर्सी रोड स्पोर्ट कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित करने शिवपाल सिंह यादव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब की बार सबको मिलजुल कर एकता दिखानी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के सारे वादे झूठे हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, ना ही 9 साल में कोई वादा पूरा किया है। इसके बाद ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता भी इस पार्टी से परेशान हो चुकी है। कोई भी काम नहीं कर रही है, जितने भी इन्होंने वादे किए थे कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। 9 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया है, केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया है। और परेशानियां ही परेशानियां हैं, सभी किसान गरीब व्यापारी सबके सामने समस्याएं पैदा कर दी। तो बस अब थोड़े दिन की बात है, सब लोग मजबूती के साथ इकट्ठे होंगे पार्टी को मजबूत करके। और अया शहर में जिलाधिकारी की ओर से गठित टीम ने मोहल्ला विधिचंद और मदार दरवाजा के जर्जर मकानों के स्थिति का निरीक्षण करने पहुंची, जहां मकानों को अधिक जर्जर पाए जाने पर लोगों को जान सुरक्षित रखने के लिए मकान खाली करने की बात कही गई। वहीं टीम इस संदर्भ में जल्द ही जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने पालिका प्रशासन की ओर से घर खाली कराए जाने को लेकर जारी किए गए नोटिस पर खासी आपत्ति जताई है। हालांकि इसके लिए जल निगम की ओर से लाइनों की जाँच कराए जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सर, आज आप निरीक्षण पे आए हैं मोहल्ला विधिचंद और मदार दरवाजा में, क्या स्थिति पाई है मकानों में? देखिए, यहाँ पे सेटलमेंट होने के कारण नींव में, जमीनों में क्रैक्स आए हैं, और जितने भी घरों में क्रैक है वो घर सारे के सारे पुराने बने स्ट्रक्चर हैं, और ज़्यादातर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर मतलब होता है कि दीवार पर बने हुए हैं, कॉलम बीम नहीं है। जहाँ जहाँ कॉलम बीम है वहाँ क्रैक आए हैं, मामूली क्रैक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं है। जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं वो लोड बेयरिंग वॉल जहाँ पर है स्ट्रक्चर है वही क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब यहाँ जो स्थिति देखने से लग रहा है कि ट्यूबवेल है, और जैसा बताया कि पहले पाइपलाइनों क्रैक्स वो लीकेज के कारण क्रैक आए थे, तो ये थोड़ा जांच का विषय है। इसको अभी हम मतलब पहले से घर खाली पड़ा है काफ़ी दिनों से, जबकि सर जब से ये क्रैक आया तभी मैंने खाली किया, अपनी जान को बचाने के लिए 15-20 दिन पहले मैंने खाली किया, जबकि सर इस तरह के गलत बयान तो अपने बचाव चले गए। वो कह रहे सर मैंने वहाँ गड्ढा खुदवाया, ना सर वहाँ गड्ढा खुदवाया ना वो अपना बचाव कर रही हो सर, फुट पता नीचे मकान चला गया, कहाँ सर 15 फुट नीचे चला गया है। हम लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो सर कह रहे अगर टूट जाए तो उसको क्या मतलब ध्वस्त कर देना ही विकल्प है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं, लेकिन देखिए ध्वस्त करना नहीं, आपका अगर नोटिस अगर ध्वस्त करने का आ रहा है तो क्या जब मतलब बनवाने का भी। गोंडा जिले में अधिकारियों के आवास से महज चंद कदमों की दूरी पर बना प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन अपने बदहाली के आंसू रो रहा है। जिम्मेदारों के इस रवैया के चलते विद्यालय में शिक्षा हासिल करने आ रहे बच्चों की संख्या कम होती ही जा रही है। आपको बता दें कि विद्यालय से मात्र 47 बच्चे हैं, उनमें से भी ज्यादातर बच्चों ने विद्यालय जाना बंद कर दिया है। जहाँ सरकार करोड़ों रुपए बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च कर रही है, वहीं जिले के कुछ लापरवाहों की यह हरकत सरकार के सर्वोच्च कदम पर रोड़ा बन रही है। जर्जर विद्यालयों की लिस्ट हमारे पास आई है, इस बार लगभग 565 विद्यालय पूरे जनपद में जर्जर थे। इनमें से 255 विद्यालयों का मूल्यांकन आ गया है, जिनका ध्वस्तीकरण नीलामी के बाद ध्वस्तीकरण इस साल कराया जाना है।
दुरुस्तीकरण के बाद जो पैसा बचता है वो एसएमसी के खाते में जमा करा दिया जाता है, बाद में पुनर्निर्माण के लिए सरकार से पैसा मिलता है तो पुनर्निर्माण कराया जाता है। शिक्षक ना होने का नगरीय क्षेत्र में थोड़ी समस्या है, क्योंकि एक अलग कैडर है, बहुत सारे शिक्षक बीते वर्षों में रिटायर हो चुके हैं, तो बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए विकल्प तलाशा जा रहा है सरकार के द्वारा, जैसे ही कुछ विकल्प निकल के आता है तो शिक्षकों को अपॉइंट किया जाएगा। सर लगभग 47 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बुलंदशहर के अहमद कस्बे में शिकारपुर तहसील के राजस्व टीम अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची, जहां ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया। कश्यप समाज के लोग लगभग 100 साल पुराने देवालय ग्राम समाज की भूमि से रास्ता निकालने को लेकर विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस विवादित भूमि से होकर नई प्लॉटिंग के लिए रास्ता निकाला जा रहा था। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम सीओ ने अवैध कब्जा हटवाया, जिसके बाद लेखपाल ने राजस्व टीम के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। एक रास्ते को लेकर कुछ तनाव सा हो गया था, तो अभी यहाँ किस तरह का माहौल है सर? जैसा देख रहे हैं सभी तहसील की टीम और सीओ साहब स्वयं भी, मैं मौके पर पहुँच करके दोनों पक्षों से वार्ता की गई है। मौके पे वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है। जिस तरह का माहौल सर गर्म हुआ है, या कुछ मतलब जो जैसे तहसीलदार साहब के साथ राजस्व टीम के साथ भी कुछ अभद्रता का मामला थी, वो थोड़ी सी जो कहा जाता है कि आपस में कहा सुनी तू तू मैं की घटना प्रकाश में आई है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ेंगे। विशाल, अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है, क्या है कुछ पूरा मामला? नन्नी जी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गाँव अहमदगढ़ का मामला है, जहाँ अवैध कब्जे को लेकर राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी, जिसने की ग्रामीणों ने तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम पर अभद्रता की गई और उनके खिलाफ एसडीएम द्वारा तहरीर दी गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि चोर घर से बाहर से सेंट्रो कार ले उड़े हैं, जिसके बाद चोरों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया और वहां से बगैर पैसे दिए भाग निकले, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में चोर कार ले जाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। संभल के असमोली स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में लोगों के साथ धोखाधड़ी की खबर सामने आ रही है, जहां पेट्रोल पंप में तेल की जगह पानी भरने का वीडियो सामने आया है। वहीं वीडियो में कुछ लोग बाल्टी से पानी डालते साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने ऐसे पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही ऐसा कहा है कि ऐसे लोगों का लाइसेंस भी रद्द किया जाना चाहिए। कहाँ के रहने वाले? मैं जो के पास गांव श्यामपुर जी। क्या हुआ ये पेट्रोल पंप पे? क्या है पेट्रोल पंप पे? यही है कि पेट्रोल लिया था रात, उसमें पानी निकला। किस पेट्रोल पंप से लिया था? ये किसान इंटर कॉलेज के बराबर में पेट्रोल पंप है जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, अब इनके पास भी लेकर आए हैं तो भी ज्यादा जबरदस्ती करे आ रहे हैं कि इसमें पानी नहीं है। आपको कैसे पता पड़ा कि इसमें पानी है? जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो पता यही चला कि इसमें पानी है। गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी। आपने पेट्रोल पंप स्वामी से बात करने की कोशिश की? हाँ कर रहे हैं। तो क्या बोले? तो वोल्टाइज जवाब दे रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। वो तो क्या बोल रहे हैं? बोले कि हम चेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब एक दिखाई दे रहा है आँख से। ये सर, ये अभी हमको पता लगा है कि कुछ लोगों ने आपके पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया गया है, उसमें कुछ लोग मिस्त्री द्वारा निकलवा कर उसको लेकर आए हैं, तो उन्हें पानी मिला उसमें, ऐसा क्या है सर? ये क्या शिकायतें मिल रही हैं आपने? पानी आपके सामने रखा, सब चीज़ चेक कर दी, कोई पानी नहीं है। तो सर क्या चीज़ है ये? ऐसा ये क्यों बिल? तो कह रहा हूँ भाई, अधिकारियों को सभी बुलवाओ, मेरा पंप भी यही है, ये माल भी यही है। नहीं सर, ये अपने अधिकारियों को, उन्हें फ़ोन कर दिया, इंडियन ऑयल को भी, एसडीएम साहब को फ़ोन करवा दिया, डीएसओ साहब को फ़ोन करवा दिया। मैं अपनी जगह श्योर हूँ बिल्कुल, पंप भी यही है, माल भी यही है, सब कुछ यही है। अब पब्लिक की थिंकिंग को मैं नहीं रोक सकता। ये सर आए दिन इस तरीके। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली हमारे साथ जुड़ेंगे। मुबारक, देखा जाए पेट्रोल पंप में तेल की जगह पानी भरने का मामला सामने आया है।
आपको बता दूं जनपद संभल के असमोली विधानसभा का पूरा मामला, असमोली का ये पेट्रोल पंप का पूरा मामला बताया जा रहा है और किसी ग्राहकों ने, दो तीन ग्राहकों ने वहां से पेट्रोल लिया था। पेट्रोल लेने के बाद में उनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं, स्टार्ट होने के बाद में जो उनके मिस्त्री के पास है, मिस्त्री के पास जाने के बाद उसमें पेट्रोल में पानी निकला है, फिर वो पेट्रोल पंप वाले के पास खुद दोबारा उसे गए हैं, दोबारा उसमें पेट्रोल में पानी है, पानी के बाद दूसरी बार कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं और उसका कोई पेट्रोल पंप वाले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और अधिकारियों ने पिछली बार भी एक बार ड्रम भर हुआ निकला था उसमें पानी का और फिर भी उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है अधिकारियों ने। अधिकारी अपना पल्ला झाड़ देते हैं, अधिकारियों की मिली भगत से ये पेट्रोल पंपों पर ये धांधलेबाजी चलती है और ऐसा पहली बार मामला सामने नहीं आया। और एक तरफ योगी सरकार लाख दावे कर रही है इसको लेकर और दावे फेल नहीं आ रहे हैं योगी की सरकार में। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मुबारक। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।